नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TY टेक्निकल यश अग्रवाल। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल एक नई न्यूज आ रही है कि WhatsApp बैन होने वाला है। कौन सा WhatsApp बैन होने वाला है, GB WhatsApp या WhatsApp जो ऑफिशियल है या फिर WhatsApp प्लस? कौन सा WhatsApp बैन होने वाला है, क्यों बैन होने वाला है, कितने टाइम के लिए बैन होने वाला है? और आपने WhatsApp को, अगर आप WhatsApp आपका बैन होता है तो आप उसको कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे बचें, ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, WhatsApp बैन होने वाला है वो, अगर आप सिंपल जो आप ऑफिशियल WhatsApp है अगर वो यूज़ करते हैं तो आपका WhatsApp बैन होने वाला है, आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर जो लोग GB WhatsApp यूज़ करते हैं, GB WhatsApp, WhatsApp प्लस या फिर और भी थर्ड पार्टीज WhatsApp जो लोग यूज़ करते हैं, उनका WhatsApp बैन होने वाला है। और ये WhatsApp कितने टाइम के लिए बैन होगा, अभी सुनने में आ रही 24 घंटे के लिए बैन होगा, सिर्फ 24 घंटे के लिए वो लोग WhatsApp यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब क्या पता वो 24 48 घंटे हो जाए या फिर 2 दिन हो जाए, हमेशा हो जाए, हमेशा के लिए बैन हो जाए, ये पक्का नहीं पता। हाँ, पर आपका WhatsApp बैन होने वाला है, GB WhatsApp और WhatsApp प्लस के यूज़र्स का WhatsApp बैन होने वाला है। अब दोस्तों, क्यों बैन होने वाला है? अब दोस्तों, कुछ पायरेसी से रिलेटेड इसका कुछ रीज़न आ जाता है। जैसे अब आप ओरिजिनल मूवी, अब आप एक मूवी थिएटर में जाके देख रहे हैं तो आपको उस मूवी का जो फ़ायदा मूवी को हो रहा है, जो मूवी है प्रोडक्शन, उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आप थिएटर में जाके मूवी देख रहे हैं, आप टिकट परचेज़ कर रहे हैं। पर अगर आप वही मूवी डाउनलोड करके देखते हैं, आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, आपको आप फ्री में मूवी देख लेते हैं एक दूसरे तरीके से, जिधर आपको फ़ायदा मिलता है मूवी का और जो मूवी प्रोडक्शन होती है उसका हो जाता है नुकसान। अब तो कुछ ऐसा ही है इसके अंदर, अगर आप WhatsApp का ओरिजिनल आप WhatsApp यूज़ करेंगे तो उससे WhatsApp को फ़ायदा होगा, उसके पास ऑडियंस होगी, उसको एक फ़ायदा होगा। अगर वो किसी चीज़ का आने वाले टाइम में ऐड करता है, उसके पास एक ऑडियंस होगी। पर अगर आप WhatsApp प्लस GB WhatsApp यूज़ करते हैं तो जो ऑफिशियल WhatsApp की ऑडियंस है वो ऑडियंस चली जाएगी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जो थर्ड पार्टी WhatsApp है। दोस्तों, मैं आपको तो इसलिए ये WhatsApp जो है वो और GB WhatsApp और WhatsApp प्लस को बैन करने वाला है। अब दोस्तों, ये अभी न्यूज़ आई है, बैन होगा कुछ एक दो हफ्ते के अंदर ये बैन हो जाएगा, या फिर क्या पता, हाँ एक दो हफ्ते या ज़्यादा टाइम लग जाए। यहाँ पर पक्का है कि बैन होगा। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली अपने चैट का बैकअप लेना है। GB WhatsApp यूज़ करता है, WhatsApp प्लस आप कुछ भी यूज़ करता है, आपको उन चैट का लेना है बैकअप। और आपको बैकअप लेने के बाद आपको दूसरा वाला WhatsApp पे जाना है, आपको अपना GB WhatsApp, WhatsApp प्लस डिलीट करना है और प्ले स्टोर पे जाके ओरिजिनल WhatsApp डाउनलोड करना है। ओरिजिनल WhatsApp डाउनलोड करेंगे आप, सिंपल उधर बैकअप माई चैट इस टाइप के आपको, या फिर चैट बैकअप आपको ऑप्शन मिलते स्टार्ट करते हैं, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और आपका चैट का बैकअप हो जाएगा। आप सिंपली ओरिजिनल WhatsApp पे चले आएंगे। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि या उस पर काफ़ी सारे मेरे को इमोटिकॉन्स काफ़ी बढ़िया थे, जैसे क्रेजी इमोटिकॉन होता है, लाफिंग टाइप, मतलब काफ़ी सारे आपको उधर एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। एक तो आपको काफ़ी सारे उधर इमोजीज मिल जाते हैं, इमोटिकॉन्स मिल जाते हैं, और उधर आपको थीम्स काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं थर्ड पार्टी WhatsApp होते हैं, उधर आपको सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है अगर हम ओरिजिनल WhatsApp के हिसाब से देखें। पर यार, जब भी छोटे छोटे आपको एडिशनल फीचर्स का आपको फ़ायदा क्या, जब आपका डेटा सिक्योर नहीं रहेगा, क्या पता जो थर्ड पार्टी WhatsApp है, जो थर्ड पार्टी जो WhatsApp प्लेटफॉर्म है वो आपका डेटा लीक कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ ओरिजिनल WhatsApp यूज़ लीजिए, ऐसे डुप्लीकेट WhatsApp यूज़ मत लीजिए। और जब बैन होने वाला तो काफ़ी सारे यूज़र तो ओरिजिनल के WhatsApp के थ्रू मूव कर ही जाएंगे, और जो मूव नहीं करेंगे वो उनका 24 घंटे के लिए अगर ये बैन होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या पता वो मूव ना करें तो आगे जाके उनका डेटा खतरे में आ सकता है, जो उनका डेटा है। बाकी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ओरिजिनल WhatsApp पे मूव कर जाएं। हाँ, उसका थोड़ा स्पेस जाता होता है, उसमें आपको फीचर कम मिलता है, बट उसके अंदर आपका डेटा सिक्योर रहता है, आपका जो पर्सनल डेटा, आपकी चैटिंग्स हैं, आपकी इमेजेस हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें उधर सिक्योर रहती हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो पर नहीं, अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक लाइक बस आप कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको मेरे यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहेगी, आपको हमें स्मार्टफोन्स, टॉप एप्लीकेशंस, टॉप स्मार्टफोन्स और काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक, हैकिंग, सिक्योरिटी टिप्स, आप काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्निकल स्टफ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा अपडेट मिल जाएगी। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा TEC यश अग्रवाल। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकल यश अग्रवाल।